Good morning students, this is KD sir from Shivam Education, right? Already हम लोगों ने stats के दो chapter कर लिए हैं. आज हम करने वाले हैं chapter number 3, that is linear regression. In this video we are only going to cover the concept of this chapter. ये linear regression है क्या और क्यों इसे use किया जाता है. I bet you can do all the sums once your concept is clear, right? Let's start now. Linear regression. लीनियर रिग्रेशन जानने से पहले हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर कोरिलेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. जैसे आप जानते हो लीनियर कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन, दिस ऑल चैप्टर्स आर कंसर्नड अबाउट टू वेरिएबल्स, राइट? एक्स एंड वाई. ये एक्स एंड वाई वेरिएबल लीनियर कोरिलेशन में भी थे. लीनियर कोरिलेशन में ऐसा था कि ये दोनों वेरिएबल्स के जो हमको वैल्यूज दिए थे, हम लोग ने सबसे पहला मेथड यूज किया था स्कैटर डायग्राम वाला. स्कैटर डायग्राम्स में हमने क्या किया, दोनों को ग्राफिकल मोड में पुट किया और वी ट्राइड टू कवर द बेस्ट द क्लोजेस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड मेड अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम बता सकें. अगर वो बहुत पास में और परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में कवर हो जाते हैं तो पॉजिटिव है, थोड़े दूर है तो थोड़ा अगर अंडर में आ रहा है तो नेगेटिव. तो दिस वे वी फाउंड आउट द रिलेशन. देन केम कार्ल पियर्सन. कार्ल पियर्सन केम आउट विद अ फॉर्मूला शोइंग द क्वांटिटेटिव मेथड. तो उनको न्यूमेरिकल मेथड से अपने फॉर्मूला के थ्रू उन्होंने वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया और जिससे हमको ये इजी रहा दोनों वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप. एंड दिस वे कार्ल पियर्सन केम आउट विद अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड, राइट? नाउ पियर्सन का लिमिटेशन ये रहा कि ही फेल टू शो द qualitative value or qualitative variables, right? And there came Spearman. Spearman came out with a rank correlation coefficient. Abhi Spearman ne jaise ki hard work hai, kindness hai, loyalty hai, ye sare jo qualitative variables hai unko value deke Spearman apne formula ke through isse put up karke bataya, right? Ab ye teenon jan apni jagah pe sahi the. Ab baat aayi ek limitation ki. Suppose ये चाह रहे वेरिएबल दिए हैं तो फॉर्मूला में लगा के उसके वैल्यू लगा के हमने फाइंड आउट कर दिया कोरिलेशन, राइट? बट क्या होता अगर एक वेरिएबल दिया है और दूसरा वेरिएबल नहीं दिया. यहाँ ये जो चैप्टर 2 का लिमिटेशन आ जाता है. हियर कम्स लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन इज सच अ मेथड in which there is an estimate value, right? The value, estimate value of one variable when the another variable value is given. समझ गए आप? जब एक variable का value दिया है तो दूसरा variable जो नहीं दिया उसका estimated value ले सकते हैं कि ये हो सकता है. This is called linear regression. This relationship between two variables was found out by Sir Francis Galton during his study of human inheritance. वो human inheritance के बारे में पढ़ रहे थे. जैसे tall father के son tall होते हैं, short father के son short होते हैं, तो उनका average निकाला तो क्या किस तरह ये जब study कर रहे थे तब उन्होंने ये जो typical behavior है, typical relationship है वो found out किया and उसको नाम दिया उन्होंने regression, right? So this way the regression was introduced. हम ये चैप्टर में भी लीनियर रिग्रेशन यही करने वाले हैं. एक एग्जांपल के साथ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में क्लोज करता हूँ. लेट्स सी द एग्जांपल. सपोज कंपनी ये है, राइट? कंपनी ये क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है, right? कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी हीरो या किसी को भी रख के एडवर्टाइजमेंट देती है और अपने प्रोडक्ट का सेल का डेटा वो निकालती है, राइट? उन्होंने देखा कि जब उन्होंने सपोज 1 लाख रुपीज, राइट, 1 लाख रुपीज का एडवर्टाइजमेंट किया तो उनका जो सेल था वो था 10 लाख, राइट? फिर उसके बाद उन्होंने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट किया तो उनका सेल होता है 15 लाख. फिर उन्होंने फिर 2 लाख का किया तो उनका सेल होता है 20 लाख, राइट? अगर इस तरह उन्होंने देखा कि उनका जिस तरह एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसका इफेक्ट आता है सेल पे. दिस इज कॉल्ड कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट? तो यहाँ अगर सपोज उन्होंने ये सोचा कि मैनेजर जब अपना मीटिंग में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजमेंट ऑलमोस्ट 20 लाख, राइट? अब जस्ट टेल मी व्हाट विल बी अवर सेल.
अब देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है और हमें दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करना है। अगर आपने यहाँ ये देखा तो ये x ले लेते हैं, इसे y ले लेते हैं। ये x जो है वो हुआ cos, राइट, क्योंकि इतना रुपया डालेंगे तो इतना सेल आएगा, इतना रुपया कम करेंगे तो सेल भी कम होगा। दिस इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैनेजर अपनी मीटिंग में बता रहे हैं कि अगर ये साल कंपनी ने सोचा है कि 20 लाख का इन्वेस्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, तो व्हाट विल बी दी एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सेल। अब देखो ये तब ऊपर के जो एवरेज है उसका फाइंड करके, उसका मीन वैल्यू से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कम से कम इतना हो सकता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा सीधा 20 लाख का, ये 10 लाख का, 1 लाख का अगर 10 होता है, मतलब 10 टाइम्स होता है, तो 20 लाख का भी 10 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज आवर एस्टिमेट वैल्यू, राइट, एंड दिस इज वायर रिग्रेशन एक्सिस्ट। और ये जो दो लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। एक छोटा सा टॉपिक, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। पहले बात तो मॉडल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ इक्वेशन, अ ग्रुप ऑफ इक्वेशन परफॉर्म टू फाइंड आउट समथिंग इज कॉल्ड मॉडल। ग्रुप ऑफ इक्वेशन, वन इक्वेशन होता तो मॉडल में नहीं आता है, लेकिन अ ग्रुप ऑफ इक्वेशंस बनता है एक मॉडल। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल वही हुआ, अ स्टैटिस्टिकल मॉडल व्हिच डिस्क्राइब्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड रिग्रेशन मॉडल। ओके, तो यही जो चीज है, एस्टिमेटेड वैल्यू जो निकालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया वाई एक्स, राइट, जिस तरह का है, एक्स जो है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट इज अ कॉस, इफेक्ट उस पर दूसरे पे आता है, दैट इज इंडिपेंडेंट। तो वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम वाई को फाइंड आउट करेंगे। वाई इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला होगा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। यहाँ पे ए और बी की जगह पे आप अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, राइट, लेकिन हमारे चैप्टर में, हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। यू व्हाट इज द यू, दैट इज अ डिस्टर्बेंस फैक्टर। ये जो एक्चुअली जो स्टैटिस्टिकल मॉडल में अगर आप देखें तो ये हमेशा जीरो आता है, तो ज्यादातर हम लोग यू इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो अगर यू डिस्टर्बेंस फैक्टर को जीरो ले लेते हैं तो ये y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स विल बी अवर इक्वेशन टू फाइंड द रिग्रेशन वैल्यू। तो y बराबर, दैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू बोलो या रिग्रेशन वैल्यू, तो y जो है वो डिपेंडेंट वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। तो ये और b, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, अल्फा और बीटा बोलते हैं। ये जो b है हम लोग ये बता देते हैं, B is nothing but regression coefficient. यहाँ chapter 2 में हम लोगों ने find out किया था R, correlation coefficient. बराबर, वैसा ही ये है, B is the regression coefficient. और अगर आपको ये पता चल गया, इसके formulas दोनों का A है और B का formula find करके उसका value find कर दीजिए। X का हमको variable जो दिया होता है because it is an independent variable और उसको तीनों को put करेंगे तो you will get the value of Y जो हमें find करना है। Okay students, so I hope you understood what is linear regression, right? What is y is equal to a plus bx, and this way you can solve all the exercise, especially first exercise, right? So we will come out with the solution of the first exercise, but this is how, what the concept is, okay? I hope you understood. So please just go through the video. Agar aapko ye concept acha laga, to please like, share or subscribe karo. शेयर करो सो दैट ये कंसेप्ट वाला वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जाए। हैव अ नाइस डे, बाय।